Yet another beautiful day and a brand new vlog. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Chop Munch Repeat and welcome back to yet another fun vlog. आज हम लोग जा रहे हैं नेरल में. आज का पूरा वीडियो होने वाला है नेरल का. नेरल आप लोग को पता होगा काफी पॉपुलर है. नेरल से हम लोग टॉय ट्रेन पकड़ के माथेरान जाते हैं. बट नेरल हैज सम रियली ब्यूटिफुल प्रॉपर्टीज जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड ऐसे ही एक प्यारी सी प्रॉपर्टी में आज का हमारा स्टे होने वाला है. अभी फिलहाल मेरे को घर से निकल हो गया ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा. नवी मुंबई से डेढ़ घंटे की डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी है. एंड अभी मैं यहाँ पे रुकी हूँ इस ब्यूटीफुल फार्म में. यहाँ पे व्यू देखो कितना खूबसूरत आ रहा है. हम लोग थोड़ा ऐसे रास्ते में रुके थे तो बहुत सुंदर लग रहा था. एंड वी टुक फ्यू पिक्चर्स हियर. आज मेरी पूरी की पूरी ट्रॉपिकल वाइब है. मेरे ड्रेस से लेकर मेरे मूड तक सब कुछ आज ट्रॉपिकल होने वाला है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोस्त जो मेरे चैनल पे नए आए हैं. हाय गाइज, माय नेम इज शमा एंड आई क्रिएट कंटेंट अबाउट फूड, travel, lifestyle, staycations, everything that you and I love here on Chop Munch Repeat. So if you enjoy watching my videos, don't forget to hit that like button. Also subscribe to my channel. And with that, अभी चलते हैं यहाँ से. बहुत ज्यादा धूप लग रही है. मुझे लग रहा है मुझे यही आधी टैनिंग हो जाएगी. चलो देखिए बीच में गाड़ी रुका के ये क्या चल रहा है. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. 'Cause when all of my dreams seem so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear, baby. बंद है आज यहाँ पे. मुश्किल से एक पेट्रोल पंप मिला है. हवा भरवाने के लिए भी कहाँ से ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिल रहा है. करजत में कुछ तो चल रहा है. अभी हम लोग को यहाँ से लगेंगे अच्छा मिनट पहुँचने में. यहाँ से ना कैसे यू टर्न दिखा रहा था ये वाला ऐसे घुमा के. बट ये वाला लेना नहीं है हमें. होस्ट ने बोला कि आप इंस्टेंट सीधे आ जाना. वो आपको स्लोअर दिखाएगा बट रास्ता ये ज्यादा अच्छा है. एट द ग्रे बान, इनका नाम मुझे इतना ज्यादा कूल लग रहा है. एंड अभी मुझे वाइब भी बिल्कुल वैसी लग रही है नाम की तरह. पार्किंग, व्हाट अ कूल वाइब दिस प्लेस हैज. बहुत ही पीसफुल लग रहा है. ये मोटर की आवाज ना है बस. वाओ, द मोमेंट यू एंटर लुक एट दिस फ्रेम, इट इज सो ब्यूटीफुल. बैकग्राउंड में भी ऐसे पूल एरिया बहुत कूल लग रहा है. मुझे ना यहाँ पे काफी सारी प्लेसेस ऐसी लग रही है जो फोटोज में बहुत अच्छी लगेंगी. जैसे ये बाहर आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने ना छोटा सा ऐसे हट टाइप बनाया है तो यू कैन लिटरली चिल हियर. यहाँ पे और मेरा गिम्बल यहाँ पे पड़ा है, इसको मैं ढूंढ रही थी. ओके, सो यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हो, पूल में खेल सकते हो, पार्टी कर सकते. पूल पार्टी के लिए तो बहुत ही मस्त है. एंड इसके अलावा ना यहाँ पे इन्होंने ये मस्त बार एरिया दिया हुआ है. एंड यहाँ से आप ऐसे ऊपर जा सकते हो तो यू नो आपको काइंड ऑफ ऐसे पूरा व्यू मिलेगा इस विला का और इस प्रॉपर्टी का, जो बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आम के पेड़ भी है. पूरी प्रॉपर्टी ना ऐसे सराउंडेड बाय ग्रीनरी है. नीचे कुशन नहीं है ना. क्वेश्चन नहीं है नीचे. दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द विला. बाहर से भी देखो कितना कूल फार्म हाउस वाइब है इसकी. एंड यहाँ से जब आप एंटर करते हो ना तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग एरिया सेटअप लगाया हुआ है तो यू कैन एंजॉय योर मील्स हियर. एंड यहाँ से अंदर पहले आता है ये ड्रॉइंग रूम. काफी कोजी ड्रॉइंग रूम है ये. बड़े ग्रुप के लिए काफी सारी सिटिंग है. एंड आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू सी प्रॉपरली कि ये जो सोफा मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ना ऐसे फिक्स्ड है, मतलब ये सीमेंटेड बने हुए हैं. एंड यू नो काफी कूल एंड यूनिक वाइब दे रहे हैं. ड्रॉइंग रूम के सामने इन्होंने यहाँ पे ये किचन एरिया भी दिया हुआ है. यू नो यू वांट टू क्विकली फिक्स सम मील फॉर योर सेल्फ तो गैस दिया हुआ है, फ्रिज दिया हुआ है. एंड दिस इज लाइक अ बैक डोर एरिया तो यहाँ पे ना फुल टाइम केयर टेकर्स भी है. सो यू नो दे कैन कम फ्रॉम हियर टू हेल्प यू आउट. अदर देन दैट आप वाइब देख सकते हो काफी चिल है. यहाँ पे दो बेडरूम्स है. दिस इज द फर्स्ट बेडरूम जहाँ पे फिलहाल हमारे कपड़े पड़े हैं. एंड एग्जैक्टली ऐसा बेडरूम है यहाँ पे. दिस इज द सेकंड बेडरूम. इससे बाहर तो ना बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब यहाँ पे ना पूरे ऐसे पेड़ है, काइंड ऑफ अ गार्डन है. अच्छा इन्होंने ऐसा ये नेट वाला स्लाइड दिया हुआ है तो इंसेक्ट्स का इशू नहीं होगा. एंड ये मिरर भी है. विद दैट आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद आवर शूट नाउ बिफोर दिस लाइट गेट्स डिम. शूट स्टार्ट किया नहीं कि बारिश आ गई. मतलब वैसे जब विला में आता हूँ ना बारिश इतनी अच्छी लगती है, बट शूट के टाइम पे लगती है क्यों बारिश हो रही है क्यों. जस्ट मेरे को मतलब आई थिंक हार्डली 15 मिनट हुए हैं, तीन चार ही शॉट्स मैंने लिए हैं. इतना इतना हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, मतलब हल्का फुल्का नहीं,
कि हाँ आप रिम जिम में यू नो थोड़ा सिनेमेटिक शॉट है, एकदम तूफान बारिश हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ चुपचाप जाके ना खाना खा लेती हूँ, कम से कम मैं एक चीज तो टाइम पे करूँ कि मैं खाना ही खा लेती हूँ आराम से अंदर बैठ के। यम्मी फूड इज हियर, इतनी तूफान बारिश में यम्मी खाना खाने का मजा ही कुछ और है। आज हम भी एक्सपीरियंस करेंगे कि गरम गरम खाना खा के कैसा लगता है, क्योंकि हमेशा बाय द टाइम हमारा शूट खत्म होता है ना ये सारा खाना ठंडा हो जाता है। देयर इज राइस, दाल एंड चिकन। बारिश हुई है मेहरबान, बारिश थोड़ी सी मेहरबान हुई है तो हम लोग काफी सारे यू नो अच्छे अच्छे शॉट्स ले पाए हैं। बहुत प्यारी वाइब है यहाँ पे। अगर आप अभी ऊपर से देखोगे ना, मैं अभी यहाँ पे टेरेस में हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से पूरा नीचे पूल का व्यू है, काफी चिल लग रहा है। मतलब यू नो आप दोस्तों के साथ अगर आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बजट प्रॉपर्टी तो काफी अफोर्डेबल होगा आपका पूरा ट्रिप। एंड उसी के अलावा यू नो काफी सारी प्लेसेस है नीचे जहाँ पे आप बहुत सारी मस्ती कर सकते हो। 4 BHK विला, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे इनके 2 bedrooms है। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम से अटैच्ड यहाँ पे जो वॉशरूम है ना काफी बड़ा है, एंड यहाँ पे इन्होंने ऐसे बाथटब भी दिया हुआ है, यू नो इफ एनीबडी वांट्स टू चिल। एंड इसी के साइड में यहाँ पे है सेकंड बेडरूम बिहाइंड दिस। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम। ऑलमोस्ट ऑल द बेडरूम्स आर आइडेंटिकल, बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज दिस एरिया। ये ऐसे बहुत सारा ओपन स्पेस है, तो यू नो अगर आप लोग बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो ना तो ऐसी प्लेसेस बहुत अच्छी लगती है। फाइनली गॉट डन विद मेजर पार्ट ऑफ आवर शूट, अभी हम लोग करेंगे चिल। यहाँ पे मेरे हाथ में है रेड बुल। गर्मा गर्म चाय एंड इतनी बड़ी कांदा भजी, दिस इज द मोमेंट। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 2। क्या सुबह हुए मेरी मस्त, मतलब इतनी गहरी नींद में सोई थी ना मैं, आई थिंक रात को जो एक बार सो गई ना सुधा सुबह जाके आके खुली है। एक्चुअली क्या हुआ ना, कल जब हम लोग पूल से निकले फिर अंधेरा हो गया, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल ऐसे एम्बियंट लाइटिंग की हुई है। उसके बाद आई वॉज सो टायर्ड ना कि मैं बस चिल कर रही थी। उसके बाद रात को डिनर में वी हैड चिकन बिरयानी विच वॉज गुड, उसके बाद बस सो गए भाई साहब, एकदम कोजी होके। इतनी अच्छी नींद आई है ना, इस प्लेस का एम्बियंस बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर दूर दूर तक देखोगे ना काफी क्वाइट है, काफी पीसफुल है, एट द सेम टाइम ना दोनों टाइप की वाइब है। मतलब अगर आप अपने ग्रुप के साथ आना चाहोगे ना तो आई थिंक यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन हियर, बिकॉज काफी पार्टी वाइब है। उन्होंने यू नो ऐसे बार एरिया एंड सब कुछ ऐसे जो बनाया हुआ है ना, आप रात भर एक्चुअली यहाँ पे मस्ती कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स यू हैव योर ओन प्राइवेट पूल, तो पूल से तो निकलना भाई साहब पसंद ही नहीं है किसी को। अब मैं सुबह सुबह मस्त से पानी में पैर डाल के बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि आज दिन भर क्या करेंगे, आज का प्लान क्या है। सबसे पहले तो आई थिंक शुरुआत करते हैं कॉफी से। दिस इज माई टूडेज आउटफिट। इतनी ओस जमा हुई है ना यहाँ पे, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। When I'm not shooting ना completely, तब मुझे ऐसे थोड़े कॉम्फी कपड़े पहनना बहुत पसंद है। यार मैं सोच रही हूँ अपने बाल काट देती हूँ, काट दूँ क्या? हमेशा लगता है मुझे ऐसा कि मुझे काट देने चाहिए, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार अच्छे खासे लंबे हैं। मैं जाके अपना चप्पल लेके आती हूँ यार, मैं कल से आई हूँ यहाँ पे और कल जब मैंने पहले शूट स्टार्ट किया ना तो मुझे चप्पल में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको साइड में उतार के रख दिया और तब से मेरी चप्पल बिचारी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखो
ओहो कम से कम 5-6 बारी भीगी होगी है। आई होप खराब ना हो यार। चलो दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग गाइस। चेकआउट का टाइम हो गया है, वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे और कहाँ कैसे पहुँचेंगे। आप लोग भी जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी अमेजिंग ट्रेवल स्टेशंस वीडियोस देखने के लिए। मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज रेकमेंड करती हूँ जहाँ पे आके आप अपना वीकेंड गेटअवे या इनफैक्ट वीकडे गेटअवे भी प्लान कर सकते हो। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रे बार्न, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, इस वीडियो का शाउट आउट जाता है जमीला शेख को। थैंक यू सो मच जमीला फॉर योर लवली कॉमेंट। आई होप आप लोग को मेरी वीडियोज ऐसी अच्छी लगने लगे एंड और भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज पे कॉमेंट्स करके पक्का बताना कि आपको जेन्युइनली आपका फीडबैक कैसा है। अनटिल दैट टाइम इस वीडियो से एंड बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो चेक दैट आउट। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। जैसे आम के पेड़ों के बीच में आमराई कहते हैं ना हम लोग, देखो कितना सुंदर गनू का टेम्पल है।